नमस्कार दोस्तों, सुनील कुशवाहा, स्वागत है आपके मेरे चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश जो जेल पर फिजिकल होना है, उस फिजिकल के आप लोग एडमिट कार्ड का वेट कर रहे होंगे, लेकिन उसके एडमिट कार्ड नहीं आने वाले, ठीक है, ना ही कोई डेट आगे बढ़ेगी। उसी तारीख को आपका फिजिकल है, एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। ESP वेबसाइट पर उन्होंने डाला था जो फिजिकल का शेड्यूल, उस फिजिकल शेड्यूल में जो रोल नंबर दिया है, उस रोल नंबर के बीच में आपको रोल नंबर आता तो आपको उस डेट में फिजिकल देने जाना है, ठीक है। और इसको तो लबस्ते से हम लोग देख लेते हैं अभी। यहाँ देखिए दोस्तों, ये ESP की वेबसाइट है और यहाँ आपको जो विस्तृत जानकारी आपको इसके होम पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगी। ये देखिए, ये सब लास्ट तीसरा नंबर जो दिया है, आप उसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ आपके सामने खुलकर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये ओपन हो चुका है और यहाँ लिखा हुआ है, आपको स्पष्ट दिया हुआ है यहाँ, ये देखिएगा कि प्रहरी पद हेतु जो फिजिकल आपका होना है 2 जुलाई को, ठीक है, 2 जुलाई को जो आने वाले जो स्टूडेंट हैं आपका दी गई है। क्या हो गया, ये देखिए दोस्तों, इतने से इतने के बीच में आपको 2 जुलाई को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में इतने बजे पहुंचना है, 2 जुलाई 2024 को, ठीक है, 7:00 बजे से पहले पहुंचना है। 7 से 2 बजे के बीच में आपको फिजिकल होगा, 500 स्टूडेंट हैं। उसका 3 तारीख को इन स्टूडेंटों को पहुंचना है इस स्टेडियम में, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में। 3 तारीख को, 4 तारीख को इन स्टूडेंटों को पहुंचना है। इसके बीच में आपको अपना देख लीजिए रोल नंबर किसके बीच में आ रहा होगा। यहाँ आप देख सकते हो, ये जो रोल नंबर दिया है इसके बीच में, यदि आप हो तो आपको इस डेट में पहुँचना है, इस बीच में आपको इस ये हो तो आपको इस डेट में पहुंचना है। आपको लेट नहीं होना दोस्तों, टाइम पर पहुंचना है, ठीक है। आपको अपना आधार कार्ड 100% ले जाना है, आधार कार्ड आपको कंफर्म ले जाना, ठीक है। इसके साथ में और कोई अगर आपके पास कोई ID प्रूफ हो तो वो भी आपको ले जाना है, ठीक है दोस्तों। ये देखिएगा, और ये आपकी क्या, आपको ये तो पता ही होगा क्या क्या होना है, आपको गोला फेंक होना है, रनिंग होनी है ना। और देखिए दोस्तों, सीना आपका 83 सेंटीमीटर बिना फुलाएं आवश्यक रूप से होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये है, बाकी इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिएगा, शासकीय उपयोग में टेस्ट में सम्मिलित होने वाले प्रपत्र संलग्न है। अभ्यर्थी प्रपत्र पर अपना फोटो चस्पा कर उक्त फोटो एवं स्वयं हस्ताक्षर कर प्रेरित करें। रोल नंबर नाम ये दिया है जो प्रपत्र में को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने साथ मूल शैक्षणिक एवं जाति आदि प्रमाण पत्रों एवं उनकी अभी प्रमाणित छाया प्रति अवश्य रूप से लाए, मतलब अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, उसका आपको सेट ले जाना है अभी प्रमाणित, मतलब स्वयं से आपको उसको अटेस्ट करना है ना। तो ये सब दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हो दोस्तों, ये हाँ, तो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। ये देखिए पत्र आपको लास्ट में दिया है, इसको आप प्रिंट कराइए और इसको भर के पूरा ले जाना है, ठीक है दोस्तों। इसको भर के उनके समक्ष आपको ले जाना है, तो देख सकते हो फोटो चिपकाना है आपको, तो ये सब आपको वहीं भरना बेहद अस्त। अच्छा, तो इसको प्रिंट करा लीजिएगा और उसको भरिएगा, ठीक है। ये है दोस्तों, और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जगह इसमें दी हुई है, जैसे दोस्तों आपने देख लिया होगा। और मेरे हिसाब से आपको तय टाइम पर तय समय पर पहुंच जाना चाहिए। फिजिकल में यदि आप लेट होते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। और जो भी आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप अभी दोस्तों फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बता दी है मैंने, बाकी आगे जो और इन्फॉर्मेशन होगी वो तो फिजिकल के बाद होगी। आपको पहले फिजिकल निकालिए, उसके बाद आपको मेडिकल कैसे होना है और सब जो चीज़ें कैसे होनी है वो सब चीज़ों के बारे में आपको और अच्छे से विस्तृत जानकारी अलग से वीडियो बना के दूंगा। फिलहाल दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें।